कुल मिला के टोटल जो है 2447, और ये कैंसिल किया, यानी कि 2500 तक उसने किए हुए हैं, 2500 दिरहम। किस टाइम पे निकलते हैं? सुबह 6 बजे निकलते हैं, तो 6 बजे से 8 से 9 बजे तक आप कम से कम 200 दिरहम का काम कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। जो एक लड़का निकलता है सुबह 6 बजे, दूसरा निकलता है 9 बजे, इनकी अर्निंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अकास, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विको भाई लड़की और लड़कों। लोग जो है आज लिमोजिन अर्निंग पे है कि कितनी अर्निंग आप हफ्ते में कर सकते हैं या महीने में कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं, कितनी कैसे अर्निंग आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ये है कि आप किस टाइम पे निकलते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, तो 6 बजे से 8 से 9 बजे तक आप कम से कम 200 दिरहम का काम कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। जो एक लड़का निकलता है सुबह 6 बजे, दूसरा निकलता है 9 बजे, इनकी अर्निंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि सुबह मीटिंग्स का टाइम होता है, सुबह ऑफिस का टाइम होता है, सुबह स्कूल्स का टाइम होता है, तो आप जो है सुबह नमाज पढ़ के निकल जाया करें, तो उस टाइम पे आपको अच्छा काम मिलता है। 200 दिरहम आप उस टाइम पे कर सकते हैं, फिर 9-10 बजे तक आप 10 बजे तक करें काम, फिर 2 घंटे सो जाएं, रेस्ट करें 3 घंटे 2 घंटे, फिर आप 1-2 बजे के बाद निकलें, तो 9-10 बजे तक रात को कम से कम 500 दिरहम आप बना सकते हैं डेली का। 500 दिरहम इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, एवरेज जो लगाई जाए, कि मैंने टारगेट जो लगाया जाए वो 500 दिरहम का हो, एवरेज जो होती है वो 400 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, लेकिन 500 के एवरेज आपने रखनी है अपने माइंड में कि मैंने 500 बनाना है डेली का। तो मंथली आप जो है 15,000 दिरहम लाजिम करने हैं, और ये किस तरह से करने हैं, ये अपने माइंड को इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं, कहाँ से लॉन्ग ट्रिप मिलते हैं। अब इस एक ट्रिप मिलता है जो छोटा ट्रिप होता है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले जाता है, फिर तुम्हारा वो अर्निंग जो है डेली के, फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। पॉइंट्स नोट किया करें, कौन सी जगह पे रुकना चाहिए, कौन सा ट्रिप उठाना चाहिए, ये आप पे मैटर करता है। जो अल्लाह ताला ने इंसान को माइंड दिया उसको इस्तेमाल भी करना। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप कितने ज़्यादा प्राइवेट कस्टमर पकड़ते हैं, कितनी ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, और कस्टमर को किस तरह से आप हैंडल करते हैं, किस तरह की सर्विस देते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे और डीलिंग अच्छी तरह से करेंगे, कंपनीज के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके अर्निंग में इजाफा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ कई ऊपर पर रहेंगे तो फिर आप आगे मतलब अर्निंग ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतना करीम उबर काम होता है लेकिन इतना नहीं होता, आपको लाजम प्राइवेट पकड़ने पड़ते हैं। और वीकेंड पे थोड़ी सी आप अगर टाइमिंग चेंज करेंगे, के जैसे सुबह 6 बजे निकलते थे, वैसे आप रात को मतलब इवनिंग के टाइम 3 बजे तक निकले, तो रात गए 3 बजे तक काम करें। ये 2 दिन होते हैं वीकेंड के, 2 दिन ये आपने थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करनी है। आज मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ जो कि ये जो वीक चल रहा है, इस वीक की, अभी तक ये वीक ख़त्म नहीं हुआ। एक तो कल भी काम उसने यूनिस ने नहीं किया था, ये यूनिस की मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा, वो कज़न है, तो उसने आज भी काम इतना नहीं किया, कल भी नहीं किया था, क्योंकि वीकेंड पे होता तो है अगर आप करें तो, फिर उसने नहीं किया, तो मैं आपको उसकी अर्निंग दिखाता हूँ, अभी तो वो नया है। देखिए ये दुबई का है, ये दुबई का है, ये दुबई का है, तो कुल मिला के टोटल जो है 2447, और ये कैंसिल किया, यानी कि 2500 तक उसने किए हुए हैं, 2500 दिरहम। तो इसमें कुछ प्राइवेट्स भी थे, तकरीबन 700-800 दिरहम का प्राइवेट्स मिला के 3,350 तक उसने टारगेट दिया है। अभी वो नया है, उसको एक्सपीरियंस जैसे जैसे जितना मिलेगा वो अपनी अर्निंग में इजाफा करेगा।
सो अगर आप कोई काम करने वाला होता है तो वो कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे अभी इतना कंपटीशन चल रहा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जो कर सकता है वो तो करता है, लेकिन जो करने वाला नहीं होता वो फिर बेचारा कहता है कि यार काम नहीं है, हम नहीं कर सकते, और इंस्टॉलमेंट पूरी हो नहीं रही, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे इस व्लॉग का करते हैं इख्तिताम, ये कुछ पॉइंट्स से, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और लड़के और लड़कों सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।